हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नौशीन। अभी थोड़ा सा गला ख़राब है, तबीयत ख़राब की वजह से, तो थोड़ा इसको इग्नोर कर दीजिएगा और बैकग्राउंड साउंड को भी। तो आज का जो मेकअप लुक है बहुत अच्छा मेकअप लुक है और बहुत ही सस्ते में मैंने क्रिएट किया है, कम ही बजट में। 20 रुपये के अंदर आप कैसे मेहंदी या संगीत का लुक बना सकते हो, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। कि अगर आप कुर्ती और नॉर्मल पैंट या कुछ भी वेयर करके जाते हो, उसके साथ ये लुक बनाते हो, बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी में और संगीत में बहुत ही अच्छा लुक बनाता है। तो वो कैसे मैंने इसको बनाया है तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक कर दीजिए। अगर नहीं भी पसंद आए या कुछ कमी लगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और आगे कौन सा वीडियो मैं बनाऊँ वो मुझे बताएं। मैंने हेयर स्टाइल बहुत सिंपल बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ये 10 रुपये की क्रीम ले रही हूँ स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि मेकअप का सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो 10 रुपये के अंदर मुझे ये मिल गई थी तो मैंने इसको ख़रीद लिया, और ये अच्छी लगी मेरे को, ठीक मतलब अच्छे से सेट हो गई थी चेहरे पे। तो उसके बाद मैं आप ले लूँगी स्पिन बीबी क्रीम, ये भी 10 रुपये में ही मुझे मिली है। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, इसकी थोड़ी मैं ज़्यादा क्वांटिटी लूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10 रुपये में इतनी अच्छी ये कवरेज दे पाएगी। तो कुछ और नहीं है हमारे पास तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से हाथों से। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो बहुत जल्दी हाथों से ही ब्लेंड हो गई, बट बहुत ज़्यादा मुझे स्टिकी लग रही थी ये। और जो थोड़ी बहुत बची है फिर मैं उसको अपनी आईज़ पर लगा लूँगी, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत डार्क सर्कल हैं तो उसको कवर ये अच्छे से कर देगी। मतलब अच्छे से तो नहीं, कंसीलर का काम नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्राइस में इसको लिया है उतना तो अच्छा काम किया है इसने, मुझे ये पसंद आई है। अगर आप नॉर्मल यूज़ में लेना चाहते हो इसको तो आप ले सकते हो, अच्छी है ये, और विंटर के लिए तो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और ये अगला है स्पिंज का ही बीबी पाउडर है जो मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। फेस को अच्छे से सेट करना ज़रूरी होता है। प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है, तबीयत ख़राब है इसलिए मेरी, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करनी थी इसलिए मैंने वीडियो बना ली। तो जो एक्स्ट्रा बचा है मैं उसको नेक पे भी लगा लूँगी, पूरे चेहरे पे अच्छे से इसको लगा लूँगी और एक्स्ट्रा निकाल दूँगी। अगला है एम एन की, मैंने 10 रुपये की ये आती है पेंसिल, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो मैंने फिल कर ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आई शेडो ये 10 रुपये 20 रुपये में कैसे है, ना ऐसा नहीं है। देखो इस पर 18 कलर है, अगर आप 10-10 रुपये का भी आई शेडो लेते हो तो ये आपको महंगा पड़ता है। इसमें 18 कलर है, ये मुझे 60-70 में पड़ा है, तो सोच लो ये कलर कितने का बैठा होगा। तो इस हिसाब से मैंने लिया है, तो इसमें से मैंने डार्क मरून टाइप कलर मैंने पिक किया है, डार्क पर्पल या मरून ऐसा कलर पिक करके मैं अपनी कट क्रीज पे इसको लगा रही हूँ और अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना है, जितना ज़्यादा ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा कलर खिल के आएगा। कभी भी कलर एकदम एक्स्ट्रा नहीं ले लेना है, लेने से पहले थोड़ा सा झाड़ देना है जैसे मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ। तो मैं अभी अपने कट क्रीज बनाने में ही लगी हूँ और को मैं अच्छे से दिखाती भी हूँ कि कैसी बन रही है, या जो भी मैं लगाती हूँ तो मैं अच्छे से शो करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डार्क मरून शेड पिक करके अपनी मतलब बीच में लगा लूँगी, आईलिड के बीच में लगा लूँगी और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। दोनों ही कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और हमें मिक्स करना है ताकि एकदम कलर सेट हो जाए, क्योंकि आगे मुझे ग्लिटर लगाना है, मतलब ग्लिटर शिमरी टाइप आता है ना। तो अभी मैंने बताया नहीं, सॉरी, 10-10 रुपये में शिमर मिलते हैं, 10-20 रुपये में आप वो ले लीजिए। मैंने ग्रीन कलर का लिया और मैंने लगाया, उसके बाद मैंने आईलाइनर लगा के और यहाँ अपना 20 रुपये का काजल लगा लिया। आईलाइनर भी 20 रुपये का ही था तो वो भी मैंने लगा लिया। तो मैं काजल लगा रही हूँ और
अदर आजकल जो भी है ना, मैंने पिछले वीडियो में सब बताया है, प्रॉपरली बताया है, तो आप चाहे तो मेरा अगला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो अभी काजल हो गया है हमारा कंप्लीट, और अब हम क्या करेंगे कि जो मरून शेड था वो पिक करके अपनी लोअर लैश लाइन पे इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, ताकि अपना काजल भी फैले ना और सब कुछ अच्छा हो जाए। तो ये तो हमारा आई मेकअप कम्प्लीट हो गया। तो मैंने क्या किया कि वाइट कलर यहाँ से पिक करके हाइलाइटिंग एरिया पे मैंने सेट कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि हाइलाइट किया है। तो ये मैंने किया, लेकिन थोड़ा सा ये फैल गया था, तो मैंने इसको अपनी फिंगर से सेट कर लिया। ये सेट हो गया। उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया, 20 रुपये में मिला था ये मुझे, 20 रुपये में लिप लाइनर मिली, और कई लोकल मार्केट में यार इजीली मिल जाती है, और ये बहुत अच्छी लिप लाइनर। मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। अब मेरी पिछली वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अब देखना ज़रूर इन सारे प्रोडक्ट्स को, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, कम प्राइस में बहुत अच्छे मुझे तो लगे। मैंने अपना अच्छा लुक भी इससे बनाया है, पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में आप देखोगे। अभी मैंने इसी लिप लाइनर से अपने लिपस्टिक लगा ली है पूरी, और इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है और आया भी है खिल के। उसके बाद मैं वही शिमर लेके, मतलब ग्रीन शिमर तो नहीं, मैंने सिल्वर शिमर पिक करके और अपने लिप्स पे लगा लिया, ताकि मेरी लिपस्टिक थोड़ी अच्छी लगे, मतलब ड्यूई लगे। उसके बाद मैंने ऑरेंज और पीच कलर का मिक्स करके कलर लेके अपने ब्लश को यूज़ किया है, ताकि थोड़ा सा मैंने ब्लश अच्छे से लगाया है, नोज़ पे भी लगा लिया, थोड़ा पिंकी पिंकी सा लगे चेहरा और अच्छा लगेगा। तो क्योंकि मेहंदी में जा रहे हैं यार, थोड़ा तो ग्लो होना चाहिए ना चेहरे पे। फिर मैं शिमर को ही लेके, अब शिमर को उठा के आप ये हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक है, देख लीजिए। मैंने हेयर स्टाइल को ज़्यादा नहीं बनाई है, सिंपल सी हेयर स्टाइल की है, अब देख लीजिए अच्छा लुक बना है ना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसे है हैवी, सिंपल सा लुक है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।